वैसे तो यूपी पुलिस अपने कारनामों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती है, लेकिन इस बार बिजनौर के सिहारा थाने की पुलिस ने जो कारनामा किया है वो वाकई यूपी पुलिस को एक बार फिर चर्चाओं में ले आया है। दरअसल सिहारा थाने की पुलिस ने थाने में अपनी बहन से मिलने पहुंचे एक भाई को न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि अपनी वर्दी का रोब गालिब करते हुए इस युवक का चालान भी कर दिया। थाना क्षेत्र निवासी वीर सिंह की बेटी कुछ दिन पहले घर से लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। पीड़ित के मुताबिक उसकी बेटी के मिलने की सूचना पर उसका बेटा जितेंद्र अपनी बहन से मिलने गया था। आरोप है कि जिस वक्त युवक अपनी बहन से बात कर रहा था, पुलिस कर्मियों ने बेवजह उसे पीटना शुरू कर दिया और जब इस सब से पुलिस का मन नहीं भरा तो उसने युवक का शांति भंग में चलान कर बड़ी हवेली भेजने की तैयारी कर दी। मेरा नाम साहब वीर सिंह है। वीर सिंह जी बताओ तुम्हारे लड़के के साथ क्या मामला हुआ? मेरे लड़के साथ ऐसा है, ये अपनी बहन से मिलने गया था खाली, ये पूछने बहन है ऐसा ना कर तू, समझ जा हम बहुत परेशान हैं। पुलिस ने इसे बेमतलब बेकसूर मारा, मारने के बाद उसे चालान कर दिया, इसका धामपुर में उसकी जमानत कर लाया। साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं लोगों को पैसे दे के और कुछ कर लूँ, मैं जिंगे तिंगे परेशान होया फिर रहा हूँ। पुलिस में किसी बड़े अधिकारी से किसी को शिकायत? साहब अभी शिकायत मैंने कई जगह करी, मेरी कोई कामयाबी नहीं। आज 3 महीने हो गए इस तरह ही लड़के को फुटबॉल पर ले रखा है, लड़के वालों को कुछ नहीं कह रखा। अच्छा लड़की तुम्हारी क्यों चली गई थी, क्या हुआ था? हाँ लड़की साहब, वो लड़का गाँव का ही पड़ोसी ले गया, मैंने उसके परिवार संबंधित सबसे कही कि भाई लड़की को वापसी कर दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। कल पुलिस ने बरामद किया था? पुलिस लड़की को बरामद करती है और लड़के को बरामद करती नहीं, आज तक यही होता चला रहा है। पुलिस ने मारपीट की है, क्या वजह थी, मारा क्यों उसको लड़के को? लड़के को वो मारा है कि अपनी बहन से लड़का पूछने चला गया कि बहन तू क्यों इतनी हमें दिक्कत कर रही है, इस सारी बात को छोड़ के घर चल, हम तेरे आज भी साथी कल भी साथी। तो इतनी बात पे लड़का पूछ रहा था कि बहन तू ऐसा क्यों कर रही है। पुलिस वालों ने साहब बेवर्दी के थे, इसे इतना मारा कि आज इसकी हालत बेकार है और पुलिस वालों ने इसे कार्रवाई के लिए जेल में भेज दिया। मैं जमानत से इसे धामपुर से छुड़ा के ले गया हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है। हाँ बताओ जितेंद्र, क्या जितेंद्र ये होया मेरे साथ में, मैं अपनी बहन को देखने गया, मुझे ये नहीं पता था कि ये मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं, यानी तो मैं देखने गया तो मैं बाहर पर खड़ा था, तो एक पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आएगा मेरे साथी वर्दी में थे और मेरा आएगा कान पर रैपड़ मार दिया कि तू किसने क्या कर रहा है, चले सर। मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी बहन को तो देख रहा हूँ, मैंने ये भी कहा मैं अपनी बहन को देख रहा हूँ, मेरी बहन है, मैं बहन से भी नहीं मिल सकता, मैं और कोई वो थोड़ी है। तो साथी वर्दी में थे वे, उनका नाम बता क्या काम है, हरिओम सिंह और केपी सिंह थे, दोनों थे। बहुत बुरी तरह मारा मुझे, रुढ़ा का मारा मुझे, घिसेड़ के ही मारा, फिर बाद में थाने में ले गए मुझे, वे थाने में ले गया और वहाँ थाने में हथकड़ी बांध कर मुझे बढ़िया करके पट्टा उट्टा फेरा मुझ पर, बढ़िया करके जांग उंग पे ही मारा, मेरे पीछे ही मारा, बजे उस पर उल्टा केस लगा दिया कि लड़के को ये कुछ करने आया था। तो ये सभी सब जानते हैं, अपनी बहन को कैसे मैं कुछ कह सका था, वो मेरी सबसे चहेती बहन थी, छोटी है मुझसे, सब में चाहते हुए मैं उसे कुछ, तू भी नहीं गया मैंने आज तक मिलने गया था, मैं खाली ये पूछने गया था कि बहन तू मेरे साथ ही हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रही हो, हम सारे परेशान हो रहे हैं, रोटी हम कुछ कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, क्या करें हम। तो उसे समझाने गया था मैं खाली, वो भी दूरी से, बहुत दूरी से, बहुत दूरी पे खड़ा था मैं। अब इतने में ही होते हैं, पुलिस वाले ने बहुत मारा मुझे। सर अभी तक कुछ नहीं गया, मैं कहीं किसी के धोरे कुछ नहीं गया, किसी की शिकायत नहीं करी अभी तक। पुलिस ने तुम्हारा इलाज भी नहीं करा, चोट लगी कोई इलाज नहीं करा, दवाई ली वो भी अपने पास से लिए जैसे तैसे करके हमने, जैसे तैसे करके, क्योंकि हमारे हम इतने अमीर तो है नहीं जो हम पैसा भर कर कुछ भी कर सकते हैं, बहुत गरीब हैं। वही जब ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया तो पुलिस के आला अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कैमरे के सामने आने से साफ मना कर दिया।